Hello students, today we will learn mild obligation and advice. Today we use should, ought to, had, better. Previous two पीटी हमारा चैप्टर था, उसमें हमने मस्ट और हैव टू का यूज किया था कि हमें ये काम करना पड़ेगा, ये काम हमें करना पड़ता है, ये काम हमें करना पड़ता था, उसके लिए बेटे हमने मस्ट और हैव टू का यूज किया था। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम माइड ऑब्लिगेशन एडवाइस के लिए बेटे शुड और ओट टू हैड बेटर का यूज करेंगे। वी यूज शुड और ओट टू फॉर माइड ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। माइड ऑब्लिगेशन है बेटे, जैसे हमें ये काम करना चाहिए, उसके लिए बेटे हम शुड और ओट टू का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनका कहना है वो मानना चाहिए। चाहिए के अर्थ में बेटे हम शुड और ओट टू का यूज करेंगे। जैसे यू ओट टू हेल्प द पुअर्स, तुम्हें जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अब चाहिए के अर्थ में बेटे हमने शुड और ought to का यूज किया है। अब बेटे नेगेटिव, अब जो काम हमें नहीं करना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल बेटे, यू शुड नॉट ईट मच आइसक्रीम। अब बेटे जैसे कोई काम है वो हमें नहीं करना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस में बेटे शुड नॉट का हम यूज करते हैं। ठीक है, चाहिए के अर्थ में हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन जो काम हमें नहीं करना चाहिए उसके अंदर हम शुड नॉट का यूज करते हैं। से चिल्ड्रन ought not to go to bed late। से बच्चों को रात को देर तक बिस्तर में नहीं जाना चाहिए। अब हमने वहां पर should not और ought not to का यूज करना है, जो काम हमें नहीं करना चाहिए। अब बेटे वी कैन से आई थिंक शुड और ओट टू। अब ये अगर हम आई थिंक ये सेंटेंस में यूज करते हैं तो बेटे हमारा जो सेंटेंस है आई थिंक यू शुड गो नाउ। अब हमने अब है बेटे हमने I think you should go now, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर बताया। लेकिन अगर हमें वो काम नहीं करना चाहिए, तो मेरे विचार में आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो बेटे हम वहाँ पर I don't think, don't think you should go now। अब बेटे हमने दोनों सेंटेंस है वो किए, लेकिन आई थिंक यू शुड गो नाउ भाई मेरे विचार में अब आपको चलना चाहिए। लेकिन अगर हम उसमें नेगेटिव भाई आपको नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर बेटे हम आई थिंक से पहले डोंट का यूज है वो करेंगे, उसके बाद शुड गो नाउ। बेटे वी यूज हैड बेटर, हैड बेटर टू से व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब बेटे जैसे हमने शुड और ओट टू का यूज किया है, उसकी जगह बेटे हम हैड बेटर का भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है बेटे जैसे, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो हैड बेटर है ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब भी बेटे हैड बेटर ही होता है। अब ये हैड बेटर है वो शुड और ओट टू से तो स्ट्रोंग होता है, लेकिन जो मस्ट और हमने हैज टू हैव टू का यूज किया था बेटे उससे कम स्ट्रोंग होता है।
लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, अगर हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बेटे, तो हमने जैसे टेंस में वॉज बीइंग है तो नॉट उनके बीच में लगाया था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बेटे हैड बेटर है, नॉट उसके बाद में हमें यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में, हैड नॉट बेटर। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमें ये, अब बेटे जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हैड बेटर नोट है वो यूज करेंगे। अब हैड नोट बेटर बेटे ये वाला है वो सेंटेंस में हम ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, ये हमारा है वो गलत हो जाएगा। अब एग्जांपल बेटे हम हैड बेटर का यूज करते हैं, इट्स कोल्ड यू हैड बेटर वी रे स्वेटर, बार है ठंड है तुम्हें स्वेटर है वो पहन लेनी चाहिए। अब बेटे नेगेटिव यू हैड बेटर, ये बेटे हैड ही है, नोट वेक मी अप व्हेन यू कम इन, भाई तुम्हें मुझे नहीं जगाना चाहिए जब तुम अंदर आते हो, ये ध्यान रखना है बेटे। इसमें हैड बेटर के बाद हमें नोट का यूज करना है, इनके बीच में नोट का यूज नहीं करना है।